ये सड़क है मुंदोली वाण, जहाँ से पेदनी बुग्याल के लिए जाते हैं। दोस्तों ये है फलदिया गांव और नंदा लोक जात और राज जात का ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, एक पड़ाव है। और हम यहाँ से ठीक ऊपर जाना है हमें, ये जो ऊपर जहाँ पे ऊपर है सवाड़ गांव, तो चलते हैं। और रास्ता कुछ ऐसा है इस तरीके का, बरसात के समय। सवाड़ के लिए कट गई रोड, करीब 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर यहाँ से। तो ये सड़क बहुत ख़राब है सवाड़ की। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के सबसे बड़ा सैनिक बाहुल्य और अमर शहीदों का गांव, जिन्होंने पूरे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अलग अलग युद्धों में योगदान दिया है, ऐसे हमारे वीर इस गांव से पैदा हुए। और लगभग आज तक मानो में 1000 से ऊपर लोगों ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया सैनिक में रहकर। और आज तक का इतिहास ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध, पेशावर कांड या जितने भी हमारे अलग अलग युद्ध हुए, चाहे वो भारत बांग्लादेश के बीच हो 1971 का या भारत चीन के बीच हो 1962 का, अलग अलग युद्धों में इस गांव के वीर शहीदों ने अपना योगदान दिया है। और इन्हीं योगदान के तौर पर आज पूरे भारतवर्ष में 7 दिसंबर को इस गाँव में अमर शहीदों का एक मेला लगता है, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। और अंग्रेज़ों ने जो स्मारक इस गांव में है, वो अंग्रेज़ों ने हमें बना के दी है कि इस गांव के लोगों ने इतना बड़ा योगदान इस देश को आज़ाद करने के लिए किया। ये आर्मी विलेज इसलिए कि प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के 22 सैनिकों ने जो भाग लिया था, और उस पर दो लोगों की, जिन दो लोगों ने आहुति दिए, और तब से ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, और सभी लोगों का एक चिंतन था और उसका एक जो शिलापट के रूप में हमारे विकासखंड मुख्यालय देवाल में एक ग्राम सभा भिलय सवाड़ करके जो है एक नामावली लगी थी,
और वो आज ग्राम सभा सवाल में स्थापित है। और वो ये दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में यह सहभागिता सैनिकों के माध्यम से, वीर पुरुषों के माध्यम से रही है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी, द्वितीय विश्व युद्ध और पेशावर कांड, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ब्लू स्टार आदि, इसमें एक सूचीबद्ध तरीके से, वो का नाम तो मुझे अभी मौखिक रूप से पता नहीं है, लेकिन उसका एक पूरा विवरण हमारी सैनिक शहीद समिति जो प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को यहाँ एक मेला उन्हीं के नाम से कराया जाता है, तो उन लोगों के पास अवेलेबल है। और आज भी मैं समझता हूँ कि लगभग प्रति परिवार एक या दो सैनिक जो हैं सेवारत हैं या पेंशनर हैं, और जिसमें से कम 38 या 39 इस बार और दो बढ़ गई, तो 41 के आसपास जो हैं महिला पेंशनर हैं, विधवा। ये कोई लड़का है, अच्छा ये लड़का चला लेगा मेरा मोबाइल, मेरे खेलिए वीडियो बना लेगा। हाँ, सेवा भी की गांव की और हमें आदमी बहुत अच्छा लगता है। अभी हम रिटायर हो गए 24 साल नौकरी करने के बाद। कौन सा युद्ध लड़ा सर आप? कारगिल युद्ध। कैसा रहा है कारगिल युद्ध? कैसा? अच्छा रहा। मैं सन 1963 का भर्ती हूँ आर्मी में, 6/2/63। मैं 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। उस टाइम पर मैं यानी 65 में मैं सियालकोट सेक्टर में था पाकिस्तान के साथ, और 71 में मैं बांग्लादेश में था। जब हमने वहाँ पर 95 पाकिस्तानी को कैप्चर किया बांग्लादेश में, तब हम राजस्थान गए हिंदमलकोट, वहाँ पर भी हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए हमको 3 स्टार लागू हैं। ये तक मैंने 3 स्टार लागू हैं हम, मेरे को कुछ लोगों को हैं, ज़्यादा को नहीं है। उसके बाद मैं ऑनरी नैप्स की पद से मैं 1987 में रिटायर हो गया। अब उस समय इमरजेंसी लगी थी, हो गया, हम तो एक घर में भर्ती हुए देवाल में डा बंगले में, वही में बड़े अच्छे रहे। मैं 8 लड़ी का हूँ, तोपखाने रेजिमेंट का हूँ। मेरा सेंटर नासिर और देवलाली कम है, और हमारे पास बड़े बड़े हैवी हथियार होते हैं तोपखाने का में। तो भाई ठीक ही गुजरी है, अब विपद तो होती है आदमी को, चाहे घर में हो चाहे किस रेजिमेंट में। यहाँ के मैं 88, पहले मैं 88 लाइट रेजिमेंट का था, फिर 1881 लाइट भर्ती का था। नहीं, और जो लड़के किस किस रेजिमेंट में जाते हैं भर्ती, कहाँ कहाँ होते हैं? मैं अपने में कास्ट वाइज होते हूँ, हमारी हिल कास्ट की थी ना, कुमाऊँ गढ़वाल गोरखे, उसमें था हमारे। आप घूमने तो कई जगह गए होंगे, एक बार इस गाँव में भी आइए जिसको आर्मी विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं। यकीनन अगर आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं, अगर आप भारतीय सेना को सम्मान करते हैं, तो एक बार घूमने ही सही इस गांव की हसीन वादियों को और यहां की मिट्टी में कुछ पल बिताकर ज़रूर जाइएगा। नमस्कार, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गांव की यात्रा हमारी जारी रहेगी इसके बाद दूसरे इलाकों में। जय नंदा, जय हिमाल।